हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको स्प्राउट सैलेड बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्प्राउट सैलेड बनाना। स्प्राउट सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्प्राउट्स लिए हैं और इसको स्प्राउट कैसे करना है अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, इसको भी बारीक कट कर लें, गाजर, खीरा, प्याज, इन सबको बारीक कट करना है और धनिया, थोड़ा सा अदरक, दो हरी मिर्च, इसको बारीक कट कर लिया है मैंने, आधा टुकड़ा नींबू का, स्वाद के अनुसार नमक। और स्प्राउट सैलेड बनाने में ये पत्ता गोभी और ये खीरा ऑप्शनल है। तो चलिए स्प्राउट सैलेड बनाते हैं। तो इसमें ये प्याज डाल देते हैं, खीरा, गाजर, धनिया पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना हरी मिर्च डाल सकते हैं, पत्ता गोभी और ये टमाटर। ये सबको मैंने डाल दिया। अब ये आधा टुकड़ा नींबू का रस इसमें डाल देते हैं। और ये स्वाद के अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग भी इसको अपने घर में बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। वैसे तो ये सबके लिए हेल्दी होता है, लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी मेरी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक बार ज़रूर आप लोग इसको अपने घर में बना के ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्प्राउट सैलेड की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।